शेर टाइगर है रोज आवे। हाँ घूमता है पानी पीवा। आपने डर कौन लगे जंगल में, मतलब यूं इतना टाइगर वगैरह शेर वगैरह है। गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है कि हम मतलब सामान लेके ऊपर नहीं आ सके, लेकिन इतने ऊपर यार मंदिर को कैसे बनाया, सामान कैसे लेके, यहाँ पे कमरे भी बनाए हुए हैं तो वो ऐसे लेके। ओ भाई तो हे गाइस गुड मॉर्निंग। रात को हमने यहाँ टेंट लगा लिया था, लेकिन रात हमारी जान आ गई पूरी हलक में यार। यहाँ पे टाइगर आ गया था रात को और बुरे हाल हो गए। 3 बजे तक हमें सोए नहीं, अभी तो मुंह धोया अभी उठे हैं, 10 बज गए हैं, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन है ना रात को सोए नहीं यार, फिर जागे नहीं। अभी महाराज जी ने आगे जगह हमें, बोले चाय वाय पी लो, दूध आ गया। और रात को इतना हालत खराब हुआ ना, 2-4 बार खांसा वो बाद में, तो हमें मतलब ये घड़ी है ना ये भी आवाज करने लगी यार, इस घड़ी से भी डरने लग गया। ये कट कट कर रहे ना, हमने सोचा यही आ गया पास में, ये आसपास घूम रहा था हमारे, पर बुरा हाल हो गया था। चलो अब कोई दिक्कत नहीं, अब दिन हो गया, अब तो हम शेर बन गए हैं। रात को हम बिग्गी बिल्ली बन गए थे। चलो अभी चलते हैं, घुमाते हैं पूरा पहाड़। और यहाँ पे टोडा राय सिंह का गढ़ है वो भी दिखाते हैं, बहुत पुराना है, 10 कोस में फैला हुआ है। चलो चलते हैं, उससे पहले आप हनुमान जी के दर्शन कर लो। और बाहर की लोकेशन कुछ ऐसी है, आप देख सकते हो लोकेशन बहुत मजेदार थी। सामने गढ़ आप देख सकते हो कि यहाँ पे टाइगर रहता है। पानी पीने की जगह यहाँ पे है ना, तो यहीं पे आता है रात को। वैसे महाराज जी सुबह मैंने बोला था ना कि अंदर कमरे में आ जाओ, हमें एडवेंचर लेना था, लेकिन एडवेंचर गले में आ गए हमारे यार। चलो कोई बात नहीं, हो गया ना, रात गई अब तो। गाइस जंगल में तो आ गए हैं, देख रहे हैं कहीं जंगली बिल्ली मिल जाए, मतलब पैंथर मिल जाए। हाथ में ये लकड़ी है, मुझे पता है ये लकड़ी काम नहीं आएगी, जब दिखेगा ना तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, भागेंगे यहाँ से और पीछे से वो भागेगा हमारे मतलब। लेकिन फिर भी यार दिन में थोड़ा सा हिम्मत होता है, रात को तो बुरा हालत है। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा ना पूरा देख लेना। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि महाराज ने बोला इस खाई में रहते हैं ज्यादा करके, मतलब यहाँ चांस रहता है, क्यों हरे भरे है ना नीचे पेड़, तो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे दिख जाए, क्यों नीचे है तो जल्दी से ऊपर नहीं आएगा। इसीलिए यार रात को तो हमारी सांसें अटक गई थी, बुरा हाल हो गए थे। अभी डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन दिन है ना थोड़ा मतलब इतना डर नहीं लग रहा। जो खतरनाक वाला जंगल है यार। यहाँ हम रात सो रहे थे मंदिर में, और इसके एकदम पास में यहाँ पे व्यवस्था की हुई है जानवर के पानी पीने की, पूरे रात को मतलब पूरे जानवर यहीं पे आते हैं। दाल चावल हम लेके आए थे, दाल चावल बना देते हैं और महाराज जी को खिलाएंगे। ये है गैस वगैरह, महाराज जी का सेट किया हुआ है, बर्तन वगैरह सामान हम अपना लिए। कैसे भी के भैया बना देते फटाफट, चलो आ जाओ 2 मिनट लगेंगे। अपना खाना बन के तैयार है, अभी खा रहे हैं ऐसे कुछ पतल बाबा जी के पास रखी हुई है। यहाँ पे हमारे व्लॉग दिखा रहे हैं। और मंदिर बने ने कितना टाइम हो गया? 2 साल। और पहले मंदिर पहले हो कच्चो तो पहले छोटो मंदिर तो पुराने टाइम को तो पहले जगह है 2 कमरा। और शेर टाइगर है रोज आवे। हां डी घूम बाजू पानी पीवा मंदिर खन पानी पीना आवे। रात तो हालत खराब कर दी मारी तो बोल्टी। बादाम को पेड़ है तो कड़े नारियल को। अच्छा नारियल को पेड़ सो है। बेल पत्र। बेल पत्र जो शिव शिव भगवान के चढ़े महादेव जी के चढ़े। ये बड़े नींबू का है, खट्टी बोला हम उसने। कटल। हाँ कटल है कटल। यह बेल किसकी है? बेसा बालोर। सब्जी बना इसकी या खावे केक रहे? छोटा छोटा आ गया बना जन सब। ये बड़ा पा गया, बीज के लिए हो गया। अच्छा जंगा छोटा छोटा आज कच्चा उसकी सब्जी बना है। नहीं ये तुलसी है। तुलसी है? हां ये तुलसी है। तुलसी ये सीताफल को है? हम्म। ओ ये आम को, ये अंजीर को है? हम्म। ये हरियाणा अंजीर आ रहा। अंजीर लाग भी है? हां पाके को ये रहा। हां छोटा छोटा है ये गुलाब को, तो छोटो सो की हुआ है ना। हां छोटे निकले थे गुलाब। अच्छा इसके अंदर फूटे गुलाब। ये डोडा ये आ गया ना, ये डोडा आ गया फूट निकला। ओ भाई साहब ये जामुन को है ना, बहुत गजब को लगा रखे भी बाग। ये अनार को फल भी आ रही इसके एक। ये आंवला को। आपने डर कौन लगे जंगल में, मतलब यूं इतना टाइगर वगैरह शेर वगैरह है रहने लग गए फिर काय का डर? आप स्वभाव पड़ गया ना रहना ही है फिर डर। मृत्यु तो घर भी आई, मरती तो घर पे भी आ जाएगी ना। ये अमरूद को वैसे बाढ़ कर रखी है, टाइगर वगैरह हुए तो अंदर नहीं आवे ना। नहीं है अंदर नहीं आवे। ओ भाई साहब ये मीठो नीम है। कड्डी पत्ता बोले वही हो? हाँ कड्डी पत्ता भाई। 6 फुट की मिर्ची दिखाओ।
छह फीट की, साढ़े पांच फुट के, छह फुट के। ओ भाई महाराजी से ऊपर गई है तो। फाइनली गाइस खाना वाना हो गया है और हमने डिसाइड किया, मतलब यहीं पे टेंट तो भी लगाई है, हमने हिलाया भी नहीं और स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे पानी वगैरह खूब है तो पहले कपड़े वपड़े धो लेते हैं यार, आगे स्टे करेंगे यहीं कपड़े धो लेंगे, फिर रणथंभौर किले जाना सीधा। तो अभी क्यों गढ़ के ऊपर है ना, गढ़ क्या दीवारें ही हैं, बाकी खंडर है पूरा, तो वो गढ़ देखते हैं, फिर यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे और आज वो जो आएगा ना टाइगर उसका भी थोड़ा देखेंगे, बाहर निकले की कोशिश करेंगे, आएगा तो, बाकी रोज आता है नहीं आता कन्फर्म नहीं है। वो बोले मतलब खाता नहीं है, मतलब खाता नहीं है, बाहर अंदर थे ना मंदिर के अंदर नहीं आता है, हम तो आवाज से डर गए थे, हमारी तो वैसी गिल्ली हो गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अभी नहा धोई करते कपड़े धोते हैं, फिर ऊपर पहाड़ के ऊपर घूमेंगे दिन दिन में, फिर नाइट स्टे करेंगे, सुबह जल्दी से यहाँ निकलेंगे रणथंभौर किले की ओर, है ना। तो गाइज लोकेशन देख रहे हो मेरे पीछे कितनी सुहावनी कितनी मस्त है, और मंदिर एकदम पास, हम आ गए काफी थोड़ा ऊंचा और अब जा रहे हैं हम जंगल के अंदर और किले का जो खंडर है वो देखने के लिए। खंडर मतलब पूरा दीवार ये चारों ओर, ये 30 किलोमीटर में फैला हुआ किला है, तो हम देखते हैं ऊपर कैसा है। शाम होने से पहले हमें वापस आना है क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर का खतरा बना रहता है। ये देखिए गाइज ये है किले के अवशेष मात्र, और चारों ओर किले की जो बनावटें हैं उनके नींव यहाँ पे पड़ी हुई है, ऊपर से पूरा ध्वस्त हो चुका है और चारों ओर जंगल कोरा है, मतलब नीचे जंगली जानवर भी यहाँ रहते हैं। ये देखिए गाइज हम पूरा अंदर आ गए फिर भी किले के इसी तरह के अवशेष मिल रहे हैं, और इतने भयानक जंगल में से भूतिया टाइप का लग रहा है। ये टोडा राय सिंह है, गाँव से लेके इधर डैम तक है, बिसलपुर डैम तक। गाइज महल के अवशेष ढूंढ लिए हमने, मतलब मेन जो जगह थी ना वो, अभी ऊपर जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे है उस जगह, बहुत अंदर आने के बाद में मिली है भाई साहब, वापस रास्ता ना भूल जाए और कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज ये है किले के मेन अवशेष, यहाँ पे कुछ खास होगा महल, मतलब छोटे छोटे महल होंगे तभी 30 किलोमीटर में तभी होंगे 10 कोस में, ऐसे तो कैसे होगा ना। ये कुछ महल के अवशेष हैं, वहाँ पे कुछ गेट है, वो देखो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक मिनट वो दिख रहा है, वहाँ पे मंदिर है शायद, क्या है पता नहीं, मैं वहाँ पे जाता हूँ। लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे यार आवाज़ आई, कल हम आए थे तब भी आई, हमें बहुत डराया, अभी भी आवाज़ आई, लेकिन वो मतलब जंगली जानवर होंगे, लेकिन सांबर या हिरण इससे कुछ हो सकता है शायद, तक खाने वाले नहीं है यार, क्यों जोरदार घोड़े दौड़ते हैं ना वैसी आवाज़ थी। गाइज एक गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, जय श्री राम लिखा हुआ है, और बाकी सब टूट गए हैं, गुफा टाइप की लग रही है, आप देख सकते हो यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे गुफा टाइप का है लेकिन सब टूट फूट गया है, कुछ बचा नहीं है। और यार यहाँ पे आवाज़ें आ रही है ना, डर भी लग रहा है यार। जय श्री राम, झंडा भी लगा हनुमान जी, हनुमान बाबे का, विक्रम भाई लगा रहा है जय श्री राम का झंडा, हनुमान जी का है, बांधो भाई यहाँ पे तार है ना, इससे बांधो। यहाँ पे लोकेशन देखो क्या मस्त वाला लोकेशन, लेकिन फोग बहुत ज़्यादा यार, इतनी साफ नहीं आ रही, खेत है लोगों के यहाँ पे और वो पूरे पानी के सेम आ रखी, चारों साइड बिसलपुर बांध की और इस साइड है बिसलपुर बांध, यहाँ पे अभी तक झंडा लगा रहे हैं, अभी तक मेहनत चल रही है, हुआ नहीं। गाइस घूमने का भी मज़ा आ रहा है और डर भी लग रहा है यार इस जंगल में, कभी तो सोचते हैं कहाँ आगे और कभी कुछ एडवेंचर भी लगता है। ये किले के अवशेष हैं, चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हैं, दीवारें देख सकते हो अभी इतनी चौड़ी हैं, ये इतनी चौड़ी वाइड एंगल में है ये, और ये इतनी हाइट भी है, फुल डर लग रहा है पूरा, और देखना चाह रहे हैं चीते को, देख चीता दिखेगा तब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, दिखेगा तो होगा क्या, मेरे से कहीं हमला ना कर दे बस, तुमसे ना हो पाएगा। महाराज बोले वीडियो ले लेते, हमारी तो नींद ही हराम हो गई, 3 बजे तक जाग के सांसें रोके बैठे थे, वीडियो कैसे ले लेते, जिसके वो बोले ऐसे हमला नहीं करता है, इतना भयानक जंगल अभी डर लग रहा है, रात को तो लगना ही है, वैसे दिन में शेर बन जाते हैं, रात होती है ना वैसे ही, हाँ 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 धीरे 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 धीरे, अरे कहना क्या चाहते हो, डाउन हो जाता है पूरा ही जोश, देख सकते हो मेरे पीछे महल के ऊपर खड़ा हूँ मैं। तो गाइस अपना प्यारा सा सनसेट हो रहा है और अभी चलते हैं नीचे, तो अभी रिस्क हो गया ज्यादा तो हमें निकल लेना चाहिए, अच्छा रहेगा, टाइगर भाई साहब कहीं अपना नाश्ता करना कर जाए। गाइस महाराज जी की झोंपड़ी आप देख रहे हो इतनी दूर है और मंदिर है इतनी दूर, यहाँ पे हम रहे थे यहाँ पे रात को और आज भी यहीं पे रहेंगे, देखा जाएगा, रात को डर लग रहा था। मेरे पीछे जो आप बालाजी का मंदिर देख रहे हैं इतने ऊपर, ये हम मतलब सामान लेके ऊपर नहीं आ सके, लेकिन इतने ऊपर यार मंदिर को कैसे बनाया, सामान कैसे लेके, यहाँ पे कमरे भी बनाए हुए हैं, तो वो ऐसे लेके आए थे, वहाँ पे गद्दे थे, गद्दों पे सामान लेके आए थे, और बाइक भी आती थी, रोड बनाया था यहाँ पे, बरसात आने पर झरने वगैरह चले ना तो टूट गया पूरा, तो ऐसे कुछ सामान लेके आए थे, गद्दों और बाइक पे सामान आता था पहले, तो रोड टूट गई, अब क्या कर सकते हैं ना। और मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हो आप किले की दीवार, ओ भाई साहब इतना खतरनाक है, बस यहाँ पे जंगली जानवर है ना वो डराते हैं बुरी तरह से। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस, पर जानवर होने भी जरूरी है ना यार, जानवर नहीं होंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा ना,
तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है चलते हैं अंदर मंदिर के अंदर। किसी जमाने में गाय जी एक महल का गेट हुआ करता था और यहाँ से रास्ता हुआ करता, ये जंगल के बीचों से यहाँ पे खाई एक और आज एक ये खंडर बन चुका है। तो गाइस आज हमने टेंट लगाए यहाँ पे एकदम मंदिर के गेट के आगे, मेन मंदिर के गेट के आगे, थोड़ा सा अड़ा के रखेंगे गुंटी, अगर कोई दिक्कत होगा ना एकदम आ जाएगा तो मंदिर के अंदर चले जाएंगे, मंदिर के अंदर चले जाएंगे और मंदिर के गेट में जाली, वहां से वीडियो शूट करेंगे। वैसे महाराज जी ने बोला अभी वो लंबा चला गया होगा, कभी कभी मतलब आज आया ना तो कल आज नहीं आएगा, कल आया था तो आज नहीं आएगा, फिर भी हम रिस्क क्यों ले ना, ऐसे ही लगाते हैं एकदम गेट के आगे मुंह कर दिया, यही मतलब इधर पग रख लेंगे हम पैर और ऐसा कुछ हुआ तो एकदम घुस जाएंगे अंदर फटाक से। आज ऐसा सिस्टम किया है और ऐसे लाइटिंग वगैरह आप देख सकते हो और बाहर भी हमने लाइट जगा दी है, कल पूरी लाइटें बंद थी आज पूरी लाइटें चालू कर दी हमने और आप ऐसा देख सकते हो ऐसा कुछ सिस्टम है। हनुमान बाबा हमारी रक्षा करेंगे, हनुमान बाबा का आप दर्शन कर सकते हो। रात ऐसे बोले थे हे बजरंग बली आज आज बचा लो, दोबारा जंगल में कभी कैंपिंग नहीं करेंगे और हम कितने ढीठ हैं आज फिर लगा लिया ना। दिन में यार वापिस जोश आ जाता है, जैसे रात होती है ना तभी वो असली वाला मजा आता है, फिर डर लगने लग जाता है। चलो कोई बात नहीं, आज का ब्लॉग इतना रखते हैं, कुछ रात को होगा तो आपको ब्रीफ करेंगे और कुछ नहीं होगा तो फिर क्या ब्रीफ करेंगे ना, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। को भी तू बाहर खड़ा अंदर बना बस तक भैया अंदर को ना टेंशन मत ले, तू हिम्मत डाल ले अंदर, बंद 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 कर लो अंदर वाला गेट कौन है? अरे चाल रुक रही है ए, वो अंदर बाहर लो बंद कर दा, अरे मैं देख रहा हूं देख, फोन करो फोन करो तेरे फोन, अरे इंग में चाल करो जल्दी, तो जल्दी फोन दो की हो उदियो वो तो सही, अरे जल्दी फोन में है चार्ज कर, अरे हां हमें चला दो फोन डाउन डाउन, अजी मैं एक मिनट की पूछ, एक मिनट मैं थोड़ा सा, अरे चल चल तो गेट खुल रखे बंद ना करे, गेट खोलो गेट खोलो, ए ओ धीरे, अरे आराम है के गाइस कुछ आया था यहां पे ना, ऊपर से कूदा था हम, भाग के आने से अंदर चले गए, पता नहीं क्या था हमें कुछ समझ में नहीं आया, जल्दी कैसे आ गए यार, गेट खुला ना, गेट खुला, गेट खुलो गेट खुला, मंदिर गेट खुला, गेट बंद, कुंडी लगाओ मेरे जल्दी, अरे कुंडी लगाओ भाई साहब, अरे लगो यार, होगी होगी होगी, ओ भाई गाइस कुछ तो था पता नहीं, इधर भागे हम पहले थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी, हाँ भाई आज तो हमारे पास जुगाड़ है, टेंशन नहीं है अभी तो, डर ही नहीं लग रहा गाइस, टेंट यहाँ लगा के सबसे अच्छी बात की हमने, हमारा टेंट यहाँ पे है भाई, सबसे बड़ी बात है कोई कुंडी नहीं, अब लगा ही किया गेट को पकड़ के खड़े ऐसे, बाहर की कुंडी, मजा आ गया, मजा आ गया कसम से, बाहर कुंडी सही नहीं लगी, वापस लगाओ कुंडी सही लगाओ, आराम लगा, अब तो कौन है नजदीक, कौन है दिखे ही कौन है, बस आप ठीक है छोड़ो आसपास अभी है ही कौन, कौन भाग्य दिखे उठी भाई साहब, गजब वाला मस्ती भाई कसम से, गजब मस्त लगा यार, पता नहीं जब रेलिंग के पास गए तो कुछ दिखा नहीं यार, पास में भागने की आवाज है, हम सब भाग के अंदर आ गए, समझ में नहीं आया, दिखा नहीं कुछ भी, दिखा नहीं कुछ भी, लेकिन स्पीड से भागने की आवाज है, हम अंदर आ गए, लेकिन डर नहीं लगा कल की तरह, कल तो बाहर बाहर रहने को तो फायदा है, एक कर को देख कर काल से बाहर आ गयो बंद करते हैं वापिस, दिखेगा अभी टेंशन।